थोड़ी सी लेट थ्रो आया, मिस टाइमिंग थ्रो आया और तब तक दो रन चुरा लिया है दोनों बैट्समैन ने और दो रन के साथ में दो आंकड़ों में स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है सात रनों पे, तीन गेंदे सात रन दो विकेट के नुकसान पे। चौथी गेंद का सामना करेंगे यहां पर, पटकी हुई गेंद यहां पर जागते हुए का आदेश देते जाती हुई बैट्समैन को, क्या गेंदबाजी, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं गांव देवी बालकुम के सभी बॉलर। वेदांत, वेदांत क्या गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही बेहतरीन कलाइयों का उपयोग यहां पर। फिर से गेंदबाज तैयार यहां पर, थोड़े से इस बार दिशा से भटके और एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, वाइड के साथ में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के खामे में जा पहुंचा है आठ रनों पे, चार बॉल आठ रन दो विकेट के नुकसान पे। अभी भी जो रन मांगता था अभी तक वो बन नहीं रहा है, उतनी अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं यहां पर बॉलर, खेल दिया गया है सीधा यहां पर बरगद देवता के बाहों में से बॉल छूटता हुआ और जब तक बॉल छूटा तब तक दो रन चुरा लिया दोनों बैट्समैन ने, दो रनों के साथ में फिर से एक बार स्कोरबोर्ड पे दो आंकड़ों में स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है दस रनों पे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहां पर गांव देवी बालकुम बी के तरफ से। छठवीं गेंद यहां पर वेदांत की, स्लो डिलीवरी थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट के रूप में बॉल जाता हुआ यहां पर विकेट के हाथ में और दो ओवर के समाप्ति पे अगर कुल संख्या की ध्यान दे तो स्कोर जा पहुंचा है दस रनों पे, बहुत ही धीमी शुरुआत यहां पर। बांद्रे मारुति की अगर स्कोर की बात करूं तो बहुत ही धीमी शुरुआत यहां पर अगर गांव देवी बालकुम बी से आपको जीत हासिल करनी है तो कम से कम 50 रन का टारगेट रखना जरूरी है। इस दो सुबिन तीसरी ओवर लेके आते हुए यहां पर, ओहो क्या गेंदबाजी यहां पर, ब्लॉक वाली गेंद डाली थी यहां पर, उतना ही अच्छा शॉट खेला बैट्समैन ने भाग्यश ने, बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी गेंद का सम्मान किया यहां पर भाग्यश ने और एक रन से खाता जुड़ता हुआ। दूसरी गेंद सुबिन की, टप्पा गेंद यहां पर, कैच का मौका बना और बहुत ही बेहतरीन कैच पित्या के रूप में, क्या कैच पकड़ा है पितेश ने और एक विकेट का पतन होता हुआ बैटिंग टीम के खामे में। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर गांव देवी बी के बॉलर, बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर पित्या के रूप में और एक विकेट का पतन होता हुआ। न्यू बैट्समैन के भूमिका में जाते हुए मयूर, क्या मयूर आज के दिन बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते हैं कि नहीं अपने टीम के लिए। क्या 10 गेंदों में आपको बड़े हिट देखने मिलेंगे मयूर के बैट से, देखने के बड़े स्कोर की जरूरत है यहां पर गांव देवी बी के, अगर आपको जीतना है तो बड़ा स्कोर बनाना जरूरी है गांव देवी बी के सामने। सुबिन फिर से तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे मयूर, यहां पर खेल दिया गया है, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, एक टप्पे के साथ में दो टप्पे के साथ में और तीन टप्पे के साथ में बॉल जाती हुई सीमा रेशा पार पूरे चार रनों के लिए,
क्या शॉट खेला है, आते ही समय बता दिया कि आप जहां डालो हम वहां मारेंगे आपको, क्या शॉट खेला है मयूर ने। आते ही चार रनों के साथ में संख्या को जोड़ा अपने खाते में और जा पहुंची है 15 रनों पे। दो ओवर तीन बॉल 15 रन, चौथी गेंद यहां पर फिर से कट कर लिया गया हल्के हाथों से, वहां पर बॉल जाती हुई डिक्लर जोन की तरफ में और यहां पर दो रन डिक्लर के साथ में स्कोर में फिर से हलचल मिलती हुई और स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। चार गेंद 17 रन, तीन विकेट के नुकसान पे। पांचवी गेंद फिर से लेके तैयार, फिर से क्या डिलीवरी थी, है ब्लॉक होल डिलीवरी थी, विकेट ही भी चुके वहां पर बॉल पकड़ने से और यहां पर रन आउट का चांस बना था, थोड़े से लेट रहे लगाने में स्टंप को और बहुत ही बेहतरीन रनिंग है दोनों बैट्समैन के बीच में दो रन छुड़ाने में और स्कोर अच्छा पहुंचा है 19 रनों पे। आप देख रहे हो भावा चषक 2022 ऑर्गेनाइज बाय भावा ग्रुप। आज के दिन तीसरे दिन का पहला मुकाबला यहां पर छठवीं गेंद खेल दिया गया, फिर से वहां पर चमाट शॉट और फील्डर ने वहां पर बॉल को क्लिक किया, जब तक बॉल को थ्रो करते तब तक दो रन एक रन चुराने में और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पे तीन ओवर के समाप्ति पे। चौथी ओवर लेके आते हुए गावदेवी बालकुम के तरफ से भूषण, मयूर पहली गेंद का सामना करेंगे भूषण की, यहां पर खेल दिया गया है यहां पर एक रनों के लिए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर हो चुका है 21 रन, तीन ओवर एक बॉल 21 रन। अगर चौथे ओवर की बात करूं तो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं चौथे ओवर में भी, इस ओवर में पहली गेंद पे ही एक रन है, देखते ही पांच गेंदों में कितने बड़े शॉट लगा पाते हैं। दूसरी गेंद भूषण की पटकी हुई गेंद थी यहां पर और बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट के रूप में विकेट के हाथ में जाती हुई गेंद है। 21 रन अभी तक, रन संख्या की बात करूं तो बहुत ही कम है यहां पर, एक धीमी शुरुआत मानी जाएगी। तीसरी गेंद फिर से वही शॉट खेल दिया गया है, पुल शॉट वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक दो रन चुरा लिया यहां पर, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पे तीन ओवर तीन बॉल के। अभी भी इस ओवर की तीन गेंद आना शेष है, इस तीन गेंदों में देखते हैं कितने बड़े शॉट लगा पाते हैं। स्लो लो डिलीवरी थी यहां पर, लो फुल टॉस डिलीवरी थी, फील्डर वहां मौजूद और फिर से एक कैच का पतन होता हुआ सुबिन के रूप में, दो कैच पकड़े वहां पर सुबिन ने, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं यहां पर और धीरे धीरे एक एक विकेट लेते हुए बालकुम गावदेवी बालकुम बी के प्लेयर। हेमराज के रूप में न्यू बैट्समैन है जाते हुए यहां पर इस इनिंग की, अभी तक चार गेंदे हो चुकी है, दो गेंदे आना शेष।
पांचवी गेंद यहाँ पर खेल दिया गया है, यहाँ पर हल्के हाथों से दो टप्पे के साथ में बॉल और बॉल को क्लिक करते हुए और जब तक बॉल क्लिक करते हुए तब तक यहाँ पर दो रन और तीसरा रन चुराने का कोशिश में रन आउट का विकेट का पतन होता हुआ और एक धक्का लगा बैटिंग वाले टीम को और बैक टू द पवेलियन बैट्समैन हेमराज। न्यू बैट्समैन के भूमिका में जाते हुए दिलीप इस ओवर की लास्ट गेंद, इस इनिंग की लास्ट गेंद आना शेष है। इस लास्ट गेंद पे देखते कितने बड़े शॉट लगा के अपने टीम की कुल रन संख्या को कितने जोड़ पाते हैं। लास्ट बॉल खेल दिया गया यहां पर, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, जब तक फील्डर आते तब तक बाउंड्री के बाहर एक टप्पे के साथ में बॉल जाती हुई चार रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट था ये, छठवीं गेंद पे बड़ा प्रहार यहां पर आता हुआ बॉलर के ऊपर और अगर गांव देवी बी को ये मैच जीतना है तो 30 रन बनाना कंपलसरी चीज है चार ओवर में। जय हिंद केवनी और वाई युवा स्पोर्ट्स। अगर दोनों टीम के कप्तान कमिटी बॉक्स से संपर्क करें। जय हिंद केवनी और युवा स्पोर्ट्स मानपाड़ा, अगर आपके दोनों टीम के कप्तान मौजूद हो तो टॉस बॉक्स से जल्द संपर्क करें क्योंकि इसके बाद ही आपका मैच खेला जाएगा। आप देख रहे हो भावा चषक 2022 ऑर्गेनाइज बाय भावा ग्रुप, तीन दिन का टूर्नामेंट का आज का मेगा फाइनल डे। कौन सी ऐसी तीसरी टीम होती है जो मेगा फाइनल डे की तरफ में रुक करती है। अगर दो दिन के टूर्नामेंट की बात करूं तो पहले दिन का जो मैच था वो टीम पहली जो टीम बनी फाइनल की तरफ में रुक करने वाली डीजे 11 गांधीनगर और दूसरी टीम कल के दिन शनिवार के दिन जो टीम बनी चिराग नगर। आज के दिन देखते हैं कौन सी ऐसी टीम होती है जो जाती है फाइनल की तरफ। अगर प्राइज की बात करूं तो फर्स्ट प्राइज है 50,000 और एक बेहतरीन ट्रॉफी, सेकंड प्राइज है 25,000 और एक बेहतरीन ट्रॉफी, थर्ड प्राइज है 12,500 और एक बेहतरीन ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज। जय हिंद वाकलन, जय हिंद केवनी, जय हिंद केवनी। अगर आपके कैप्टन रहेंगे तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। जय हिंद केवनी। जय हिंद केवनी के कप्तान आ चुके हैं
और युवा स्पोर्ट्स मानपड़ा, आइए टॉक्स बॉक्स में आप संपर्क करें आपके। आप देख रहे हैं चमचमाती ट्रॉफी भावा चषक 2022 की ट्रॉफी आते हुए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस बॉलर बेस बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज। चॉइस बोलना है, जो बॉल आए तो है चॉइस बोलना है। गांव देवी बालकुम बी के तरफ से दो बड़े बैट्समैन, जो बालकुम के एक होनार बैट्समैन वंडर बॉय कहा जाता है माने और पित्या। देखते हैं माने और पित्या क्या ये 30 रन का पीछा कितने ओवर में कर पाते हैं। पहली ओवर लेके आते पावर प्ले की ओवर लेके आते हुए दिलीप पहली गेंद का सामना करेंगे दिलीप के माने। पहली गेंद यहां पर सम्मान दिया एक टच करके एक रन निकाला यहां पर हल्के हाथों से एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों बैट्समैन को पता है बड़ा स्कोर नहीं है छोटा स्कोर है धीमे धीमे बनाना है, पर यह क्रिकेट का खेल है कुछ भी हो सकता है यहां पर। अभी स्ट्राइक पे है पित्या सामना करेंगे दूसरी गेंद का दिलीप की दूसरी गेंद का यहां पर सामना करेंगे प्रीतेश। प्रीतेश की बात करूं तो एक बड़े बैट्समैन में सूची आती है नाम की। यहां पर सामना करेंगे दूसरी गेंद का खेल दिया गया वहां पर फील्डर वहां मौजूद कैच हो पाता है कि नहीं यहां पर कैच छूटा और बॉल जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ में दो रन। खेलना चाहते थे भी बैट की एज लगी बॉल टॉप एज लग के ऊपर गई फील्डर वहां मौजूद थे भी ठीक से कैच नहीं जज कर पाए और डिक्लेयर जोन की तरफ में बॉल जाती हुई दो रनों के साथ में स्कोरबोर्ड पे तीन रन होते हुए दो गेंद के साथ में। पावर प्ले का ओवर दो गेंद हो चुकी है अभी तला का चार गेंद आना शेष है तीसरी गेंद का फिर से सामना करेंगे प्रीतेश। यहां पर खेल दिया गया फिर से ओवर शॉट वहां पर फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं बॉल जाती हुई बाउंड्री के तरफ में दो रन चुरा लिया यहां पर तीसरे रन के लिए भागे हैं और तीन रन बहुत ही आसानी से चुरा लिया है दोनों बैट्समैन ने। क्या शॉट खेल रहे बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर पित्या के रूप में। पता है दोनों बैट्समैन को कि यहां पर बड़ा स्कोर नहीं है छोटा स्कोर है धीमे धीमे खेलेंगे तो भी बन जाएगा। दिलीप की चौथी गेंद का सामना करेंगे माने। यहां पर माने एक बड़े बैट्समैन बड़े हिट मारने में जाने जाते हैं यहां पर खेलना चाहते थे यहां पर इस बार डॉट के रूप में बॉल जाती हुई बहुत ही अच्छा कम बैक यहां पर दिलीप के रूप में। जय हिंद केवनी अगर आपके कप्तान मौजूद हो तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें जल्द से जल्द। जय हिंद केवनी चौथी के पांचवी
पांचवी गेंद का सामना करेंगे माने। ओहो, खेल दिया गया सामने यहाँ पर, बॉल को भेज दिया हवा के रास्ते, बॉल जाता हुआ एक टप्पे के साथ में चार रनों के लिए। क्या शॉट खेला यहाँ पर माने ने, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर माने के रूप में। चार के साथ में टीम का स्कोर चार आंकड़ों में फिर से दर्शाता हुआ जाता हुआ दस रनों पे, पांच गेंद दस रन। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दोनों बैट्समैन के रूप में। छठवीं गेंद का फिर से सामना करेंगे माने। यहाँ पर लोअर फुल टॉस डिलीवर होती है, यहाँ पर खेल दिया गया है फील्डर के हाथ में बॉल आती हुई, कोई भी रन नहीं। और एक ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है दस रनों पे, अभी भी तीन ओवर में बीस रन की दरकार गांव देवी बालकों में बी टीम को जीत के लिए हासिल करने के लिए। जय हिंद, क्यों नहीं, जय हिंद, क्यों नहीं। अगर आपको आवाज जाती होगी तो आपको फाइनल कॉल है, वरना इसके बाद आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। लास्ट कॉल, जय हिंद, इसके बाद आपको पेनल्टी का बिल्कुल सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले टीम के कप्तान कब से खड़े। मंदा ने यहाँ पर रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट करता हुआ बॉल को भेज दिया है पीता ने तारा मंडल में। क्या शॉट खेला यहाँ पर पीतेश ने, छह रनों के साथ में बॉलर पे बड़ा वाला अत्याचार करते हुए पीतिया रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट किया था और पूरे जोश में खेलते हुए पीतेश पहली गेंद पे यहाँ पर बड़ा प्रहार करते हुए दूसरी बॉल फिर से सामना करके पीतिया फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, भी इस बार ठीक से बैट में आई नहीं और सीधा बॉलर के हाथ में टप्पे के साथ में बॉल जाता हुआ। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था इसके पहले वाला पीतेश ने, रिवर्स का अटेंड किया था। तीसरी गेंद फिर से सामना करेंगे पीतेश यहाँ पर, ओह क्या खेल रहे हैं बॉलर के साथ में, एक रन ढकेल दिया गया है और देखो देखते ही देखते दूसरा रन भी चुरा लिया। एक ओवर तीन बॉल 18 रन, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं यहां पर फिर से। चौथी गेंद फिर से रिवर्स यहां पर खेल दिया गया है, यहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर पकड़ते थ्रो करते तब तक एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, क्यों नहीं, क्यों नहीं दीवा। फिर से यहां पर खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ा बॉल ने दिशा बदली और डॉट के रूप में विकेट के हाथ में बॉल जाती हुई। पांच बॉल 19 रन, 13 गेंदे 11 रन की दरकार। छठवीं गेंद यहां पर खेल दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद और बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच माने की, यहां पर पारी समाप्त होती हुई और बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर भागेश के रूप में। सुबिन न्यू बैट्समैन के भूमिका में जाते हुए आपने पहले बॉलिंग करते समय सुबिन को बॉलर के रूप में देखा होगा, फिर फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन, इस बार बैटिंग के लिए उतरे हैं सुबिन। देखते हैं सुबिन क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। न्यू बॉलर प्रणय,
जय हिंद केवनी, आपको लास्ट कॉल। इसके बाद बिल्कुल आपको दो रन की पेनल्टी का बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। कमेटी का रूल मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम हो रहा है 11:37, 39 पे आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ओहो हो, क्या डिलीवरी थी यहाँ पर, हल्के हाथों से खेला और लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के। और यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हुए हमारे हार्ड हिटर बैट्समैन सत्वीर खैरारिया और टॉस का पक्ष झुका है युवा स्पोर्ट्स मानपाड़ा के रूप में। आपका डिसीजन जल्द से जल्द बता दे। दूसरी गेंद सामना करेंगे सुब्बीन, यहाँ पर क्या डिलीवरी थी, जागते रहो का आदेश देती हुई सुब्बीन को, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी की यहाँ पर बॉलर प्रणय ने। दो बॉल हो चुका है यहाँ पर और 20 रन, अभी भी 10 रनों की दरकार 10 गेंदों में। हल्के हाथों से कारपेट के द्वारा खेल दिया गया यहाँ पर, एक रन और थोड़ी सी मिसफील्डिंग, मिसफील्डिंग का पूरा फायदा उठाएंगे दोनों बैट्समैन। और यहाँ पर और एक बार मिसफील्डिंग और वो भी मिसफील्डिंग का फायदा उठाएंगे दोनों बैट्समैन। जहां एक रन था वहां 3 रन दे बैठे फील्डर, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और खामियाजा पूरा बैटिंग टीम को जाता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पे, 9 गेंदे 7 रन की दरकार गांव देवी बालकुम बी टीम को जीत हासिल करने के लिए। ओहो फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, इस बार ठीक से बैट पे बॉल आई नहीं और डॉट के रूप में बॉल जाती हुई। चार गेंदे 23 रन हो चुके हैं, अभी भी इस ओवर के 2 गेंदे आना शेष है। खेल दिया गया यहाँ पर बड़ा शॉट का प्रबंध, यहाँ पर पीतेश के बैट से निकलता हुआ बॉल जाता हुआ आउट ऑफ द पार्क, ये लगा खूबसूरत सिक्स, बहुत ही बेहतरीन अच्छा पिकअप किया यहाँ पर प्रीतेश ने और भेज दिया तारामंडल में बॉल को। और हमारे बीच अश्विन शेट्टी जी का आगमन हुआ है, तो आइए सर आपका तहे दिल से भावा चषक में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, आइए आप स्टेज की शान बढ़ाइए अश्विन शेट्टी सर। तो यहाँ पर मैच जीतते हुए गांव देवी बालकुमटी बेस्ट ऑफ द लक।